हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकेत कुमार और 7 डेज क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं टेस्ला कॉइल मॉडल, जो आप साइंस प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, अपने स्कूल या फिर कॉलेज में प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे रैंकिंग ला सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, टेस्ला कॉइल कैसे बनता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 1 इंच का प्लास्टिक का पाइप यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैग्नेटिक कॉपर वायर लपेटा हुआ, इसे मैग्नेटिक कॉपर वायर ही बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये दो सिरा इसका निकला हुआ है, ये वायर कोट किया हुआ है सिंपली, जो मैग्नेट वगैरह में यूज होता है आपको मिल जाएगा। ये मैंने एक प्लास्टिक का बॉल लिया जिसमें अल्मोनियम फॉइल लपटा हुआ है। और अब हम लेंगे एक ट्रांजिस्टर 2222A का, आप इसे बड़ा वाला जो हीट सिंक लगाने का ऑप्शन के साथ आता है वो भी ले सकते हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मिल जाएगा। और एक मिनी स्विच लेंगे, आप यूज कर सकते हैं 20 से 27 किलो ओम्स का रेसिस्टर। और ये मैं बैटरी कनेक्टर ले रहा हूँ, 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर मैंने दो लिया है। एक LED बल्ब आप ले सकते हैं। और ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, आगे साइड मैंने एक रंगीन पेपर चिपका लिया है जिससे ये इसका लुक अच्छा हो जाए। तो अब हमें करना क्या है, ये जो पाइप लेना है इसमें हमें दोनों जो सिरा निकला हुआ है उसको सैंड पेपर की मदद से इसे घिसना है। इसका जो ऊपर में कोटिंग रहता है पॉलिश का, जो साइन करता है, उसे हमें हटा लेना है पूरी तरीके से। दोनों साइड हमें अच्छे से घिस दिया है, अब मैं इसे चिपका देता हूँ अपने कार्डबोर्ड के पीस पे। तो ये मैंने फटाक से चिपका दिया है, ये देखिए ये सूख जाएगा, हल्का सा फूंक मारूंगा मैं और ये सूख जाएगा। तो अब हम बाकी का कनेक्शन कर लेते हैं। आपको इसमें 3 इसके टांग दिख रहे होंगे, इसमें हम पहले कोटिंग चढ़ा लेते हैं जिससे हमारा जो सोल्डिंग है वो अच्छे से हो और मजबूत हो। LED का 2 टांग है, ये बड़ा वाला टांग प्लस है और छोटा वाला टांग माइनस है। तो बड़े वाले टांग को साइड में और माइनस टांग को बीच में लगाना है। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्लस वाले को बाहर और माइनस वाले को बीच में। ये जो मेरा ट्रांजिस्टर वो सीधा रखा हुआ है फ्लैट साइड की तरफ। अब मैं रजिस्टर को जोड़ूंगा, मैं यहाँ पे 10 किलो ओम का 2 रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं पैरलर में अटैच कर दूंगा तो इसका वैल्यू 20 किलो ओम तक हो जाएगा। तो आप 20 किलो से 27 किलो ओम तक का रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो 1 यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अपना स्विच चिपका दूंगा, ये मेरा यहाँ पे स्विच चिपक गया। जो कंपोनेंट है मैं इसे भी चिपका देता हूँ डबल साइडेड टेप की मदद से। आप यहाँ चाहे तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट ग्लू का। तो मैं डबल साइडेड टेप यूज़ कर लेता हूँ। और ये जो हमारा रजिस्टर से जो वायर आ रहा है, LED को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। हाँ, ये जो मेरा रजिस्टर के वायर आ रहा है इसको मैं स्विच से कनेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ स्विच से एक इसको हम सोल्ड कर देंगे अच्छे से। अब हमें बैटरी का कनेक्शन देना है, तो ये मैंने दोनों कनेक्टर का प्लस और दोनों कनेक्टर का माइनस को मैंने एक साथ लेके दोनों को ज्वाइंट कर दिया है। अब मैं जो LED का जो प्लस वाला हिस्सा था उसमें मैं बैटरी कनेक्टर के माइनस वाले हिस्से को सोल्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे यही मिस्टेक बच्चे करते हैं अक्सर, हमें बैटरी के माइनस वाले सिरे को LED के प्लस वाले सिरे से कनेक्ट करना है, और जो प्लस वाले सिरा है वो जाएगा हमारे स्विच में। तो हमारे स्विच से जो कनेक्शन होके आ रहा है ये ट्रांजिस्टर है उसके बीच वाले में आ रहा है, और ये जो हमारा जो वायर है मैग्नेटिक वायर है कॉपर वायर, उसको हमको बीच में सोल्ड कर देना है। ध्यान रहे ये बीच में हो और इधर उधर आसपास टच ना हो। बस हमारा कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। अब हम एक वायर लेंगे, आप एल्युमिनियम वायर या फिर कॉपर वायर कोई सा भी ले सकते हैं। और हमें ये जो प्लास्टिक का पाइप है इसके ऐसे साइड में लपेट देना है। आप एक या आप 2 बार इसे लपेटेंगे और ये वी शेप में आ जाएगा। देखिए ये वायर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो ये वी शेप में आएगा, है ना। और अगर आपका वी शेप में वर्क नहीं करता है तो आप यू शेप में भी दे सकते हैं। एक साइड का वायर को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे साइड को वायर को जो हमारा एक बच रहा है लास्ट वाले पिन, ट्रांजिस्टर का लास्ट वाले पिन में, हम इसको अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। ये हमारा सोल्ड हो गया है, अब हमारा कनेक्शन बिल्कुल एकदम पूरा हो गया। फ्रेंड्स, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बैटरी को कनेक्ट करके एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। उससे पहले मैं ये जो एल्युमिनियम का बॉल है इसे मैं ऊपर रख देता हूँ। ये ऊपर वाले वायर को भी मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ,
ताकि अच्छा दिखे। मैं इसे एक बार सेट कर देता हूँ और अब मैं इसमें बैटरी लगा के देखता हूँ। मैं फर्स्ट में एक बैटरी लगा के चेक करूँगा। अब हम चलिए स्विच को अपना ऑन करते हैं। देखिए स्विच ऑन करते ही ये हमारी एलईडी जलने लगी, इसका मतलब पावर अच्छे से सप्लाई हो रहा है। और ये देखिए मैं जैसे ही पाइप को पकड़ रहा हूँ तो इसमें एलईडी बंद हो जा रही है। और मैं जैसे ही इसके करीब अपना सीएफएल लाता हूँ, ये करीब 20 वाट का सीएफएल है। अगर आप 5 या 10 वाट का सीएफएल यूज़ करोगे तो आपकी सीएफएल ज़्यादा ग्लो करेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स के चलते होती है फ्रेंड्स। आप एलईडी में जो गैसेस रहते हैं वो गर्म हो जाती है और ये साइन करने लगती है। अब मैं यहाँ पे डबल बैटरी कनेक्ट करने वाला हूँ जिससे जो हमारी लाइट है वो और अच्छे से जलेगी, हमारी जो सीएफएल वो और थोड़ी सी ब्राइट हो गई है। देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये है एसआर रोबोटिक की वेबसाइट। यहाँ पे साइंस से रिलेटेड आपके सारे प्रोजेक्ट की किट अवेलेबल है, रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। और ये एक इंडियन वेबसाइट है तो डरने की कोई बात नहीं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके एक लाइक से मेरे को ढेर सारे मोटिवेशन मिलते हैं फ्रेंड। और आपको इससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।